हेलो गाइस, तो रेडमी ने आज रेडमी 9 प्राइम लॉन्च किया है और उसका जो प्राइस है 4+64 का 9999 रुपीज़ है, 10,000 से नीचे एक रुपया कम है। वो प्राइस आपके लिए ठीक है इस फ़ोन को बाय करने के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 4128 वाला वेरिएंट खरीदने का, जो कि आपको 11,999 का मिलेगा, यानी कि 12,000 से एक कम, देन आपके मन में एक ऑप्शन और आ सकता है कि शायद आप रेडमी नोट 9 को बाय कर लें, क्योंकि वो भी 12,000 रुपये का ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों फोन से कंपैरिजन की और बताएंगे आपको कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोस में इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियोज़ मिलती रहें। हम बात करते हैं जरा से लॉजिक की। अगर हम बात करें तो 4+64 आपको एक मिलता है आराम से, कितने रुपये का, 9,999 का। आपको मार्केट से एक 64GB की चिप मिल जाएगी जो आपको 800 रुपये की मिलेगी। मैं बाय कर चुका हूँ, 800 रुपये की मिली थी मुझे, सैमसंग की थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और क्लास 10 की है। तो काफ़ी अच्छा मेमोरी कार्ड आपको मिल जाएगा, आप उसको अगर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने के लिए मिलता है। दो सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 512GB तक। देन वहाँ पर आप उसको ऐड कर लेंगे तो आपकी जो स्टोरेज है वो भी 4+128 हो जाएगी। प्राइस पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 10,800 रुपये। तो ये थोड़े लॉजिक की बात है, लेकिन अब बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली रखा है इन्होंने 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस। हम इसके रेडमी नोट 9 से कंपेरिजन करते हैं तो डिस्प्ले आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है। रेडमी नोट 9 में जितनी अच्छी डिस्प्ले थी आपको वहाँ पर पंचोल मिलता था और काफ़ी देखने प्रीमियम सा लुक लगता है उस मोबाइल का। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर आपको फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी हुई है और यहाँ पर आपको केवल 8 मेगापिक्सल की सेल्फी से ही काम चलाना पड़ेगा। वहाँ पर बैक कैमरे में आपको जो कैमरे सेगमेंट्स दिए हुए काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर आपको मिला है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 13 मेगापिक्सल से काम चलाना पड़ रहा है। Redmi 9 Prime में आपको MediaTek का Helio G80 दिया हुआ है, वहाँ पर Helio G85 दिया हुआ है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, वहाँ पर बस GPU की जो क्लॉक स्पीड है वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। G80 में आपको 950 MHz तक क्लॉक होता है GPU माली का G52 MZ2, और वहाँ पर पूरे 1 GHz तक क्लॉक है। तो गेमिंग वगैरह आप काफ़ी अच्छी कर पाओगे, दोनों में लगभग सेम से कर पाओगे, इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। पबजी वगैरह आप आराम से एंजॉय कर पाओगे। अगर अंततः स्कोर की बात करें तो 2,09,000 गया हुआ है यहाँ पर G85 का, जो हमारा नोट 9 में है, बट 9 प्राइम में जो G80 है उसका है लगभग 2,04,000। तो आसपास ही अंततः स्कोर भी इनका बैठता है। दोनों ही एंड्रॉइड 10 पर हैं और दोनों में ही आपको MIUI 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में ही आपको बड़ी बैटरी मिलती है, बट चार्जर में डिफरेंस है। 22.5 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलता है रेडमी नोट 9 में, बट रेडमी 9 प्राइम में आपका 18 वाट तक सपोर्ट तो है, बट 10 वाट ही आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अगर आप उसको बाय करोगे तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेक्स में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है रेडमी नोट 9 में रेडमी 9 प्राइम के मुकाबले। तो अगर आपके पास 2,000 रुपये का बजट है और एक्स्ट्रा आप 12,000 के अंदर कोई फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं, देन आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 9 को। आप रेडमी 9 प्राइम को स्किप कर पाओगे, बट अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं, देन आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं रेडमी 9 प्राइम को। तो ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। बजट रेंज का जो मोबाइल है काफ़ी अच्छा मोबाइल है, बट यहाँ पर आपको सिक्योरिटी इशूज़ भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने जो ऐप्स बैन की थी वो अभी भी क्लीन मास्टर वाली ऐप इसके अंदर मौजूद है और वो अभी तक रिमूव नहीं हुई है, और ना ही कोई भरोसा दिया गया है रेडमी की तरफ से कि हम इस ऐप को रिमूव करने वाले हैं OTA अपडेट की मदद से। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं इस प्राइस में कोई और मोबाइल खरीदना, देन आपके लिए सैमसंग का काफ़ी अच्छा भरोसा है। वहाँ पर आपको बस ये क्या है कि 14,000 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे और आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है। वहाँ पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, 6,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और वहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है। तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो कमेंट्स हैं आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। इस फोन के बारे में आप क्या कहते हैं, किस फोन को आप बाय करना पसंद करेंगे, कोई और आपके क्वेश्चन हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा या फिर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना करके दे दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।